उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देर शाम रामगढ़ रोड पर कैंडल मार्च निकाला, जिसमें आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर जी का देहांत हो गया है। इन्होंने कांग्रेस सरकार में बतौर मुख्यमंत्री और कई विभागों में बतौर मंत्री के पद पर रहकर कड़ी मेहनत, लगन और अपनी काबिलियत के बल पर लगातार निस्वार्थ जनता की सेवा की थी। ऐसी शख्सियत का हमारे बीच से चला जाना देश और कांग्रेस पार्टी के लिए दुख की बात है। शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक चेयरमैन मोहम्मद आजम ने कहा, आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में हाथरस की वाल्मीकि समाज की बेटी जिंदगी की जंग हार गई। पुलिस ने 8 दिन बाद गैंगरेप की धारा जोड़ी, क्योंकि आरोपी 70 विशेष जाति वर्ग के थे। जो हैवानियत हाथरस की बेटी के साथ हुई है, उस पर यह उम्र पर कलंक है। आखिर यह कैसा रामराज्य है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं? मुख्यमंत्री को संवेदनशीलता और नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। फिरोजाबाद से संवाददाता राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। आज बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि हमारे बीच आसाम की मुख्यमंत्री सैयदा तैमूर नहीं रही, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। कांग्रेस के सारी सदस्यों को, जो हमारे आज बीच नहीं है, सैयदा तैमूर जी आसाम की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस का बहुत मनोबल बढ़ाया उन्होंने, बहुत मेहनत की, आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी शहादत के लिए कैंडल मार्च निकाला है। दूसरा, ये तो विभिन्न विभिन्न तरीके से ये जो अपराध प्रदेश सरकार द्वारा हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, जिसको कहीं ना कहीं दबाने का काम यहाँ का शासन प्रशासन कर रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय अपराध जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। रोजगार है नहीं है, और आए दिन